नमस्कार, कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से मोदक, इंस्टेंट मोदक। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी आटा, चार बड़े चम्मच घी, आधी कटोरी चीनी ली थी जिसको मैंने पीस लिया है, और इसी में मैंने दो इलायची छोटी पीस ली है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बादाम लिए हैं जिसे मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। आप काजू, पिस्ता कुछ भी और डाल सकते हैं, और 1/4 सूखा नारियल जो है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं या कच्चा नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और ये है हमारे पास सांचा। तो चलिए बनाते हैं आटे से इंस्टेंट मोदक। मोदक बनाने के लिए हमने आटा लिया है। इस आटे को हम पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमने कढ़ाई मोटे तले की लेनी है, और इस मोटे तले की कढ़ाई में हमने आटा भूनना है। पहले इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे घी। और फ्लेम को आप जो है मध्यम आंच में रखिए, बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखिए, ताकि ये आटा जो है वो भून जाए। और इसे हिलाते रहिए। अब देखिए, 2 मिनट आटा भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं घी। घी हमने 4 बड़े चम्मच लिया है, जितनी ज़रूरत है उतना डाल सकते हैं। ये मैंने 3 चम्मच डाल दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि आटा अच्छी तरह भून ना जाए और घी ना छोड़ दे। अब देखिए, ये आटा जो है भून चुका है, हमने बिल्कुल लो फ्लेम में भूना है। और अब इसी में हम डाल रहे हैं ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, सूखा नारियल है, और ये ड्राई फ्रूट। इसको भी 1 मिनट के लिए हम बीच में ही भून लेंगे, ताकि ये भी भून जाएं। और अभी घी की ज़रूरत नहीं है, अगर घी की ज़रूरत लगेगी तो हम डाल सकते हैं। इसमें हल्का सा चुटकी, 1 चुटकी नमक डाल रहे हैं, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। ये किशमिश है, ये डाल रहे हैं ये, और गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अब हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसके मोदक बनाएंगे, और उससे पहले थोड़ी चीनी मिक्स करेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब इसमें ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली थी 1 कप आटे में, और इसमें से थोड़ी रख लेते हैं और इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म में चीनी नहीं डालनी, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी पूरी पिघल जाए। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये सारी चीनी मैंने मिक्स कर दी है, और इसके में अब मिक्स हो चुकी है। अब हम इससे बनाएंगे सांचे से मोदक। ये देखिए, इसको जो है ज़्यादा ठंडा नहीं करना बिल्कुल भी। अभी इसमें ऐसे सांचे में आप भरें और इसको थोड़ा दबा दबा के भरिए। अब इसको आराम से खोलिए। लीजिए, ये मोदक बन चुका है। इस तरह सारे मोदक आप बना लें। ये देखिए, मोदक बन चुके हैं, और इस ये सांचे से हमने सारे बना लिए हैं। अगर आपको लगे कि आटा सूखा हो रहा है तो 1-2 चम्मच आप बीच में इसमें दूध डाल सकते हैं, और इसको सांचे के साथ बनाइए। और अगर सांचा ना हो तो उसे शेप देकर आप हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मोदक हाथ से ही ऐसे ही बनाया हुआ है, तो अगर सांचा नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आटे के मोदक बनाने बहुत आसान हैं, इंस्टेंट हैं,
लेकिन बनाते हुए आप ध्यान रखिए, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसे बहुत ही आराम से बनाइए और रखिए, और कुछ ही देर में ये हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।